बनाने वाले हैं एक ऐसी रेसिपी जो सबको बहुत ही पसंद आती है। इस रेसिपी का नाम है सूजी आलू पैनकेक। इस रेसिपी को हम बनाएंगे बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम सामान के साथ। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पैनकेक बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले एक कप सूजी। जिस कप से हमने सूजी ली है उसी कप से हम लेंगे आधा कप दही। दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा मीठी भी नहीं होनी चाहिए। उसी कप से हमने लिया है 3/4 कप पानी और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस बैटर को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और साइड में रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए ताकि हमारी सूजी अच्छे से फूल जाए। तब तक हमारी सूजी फूलती है तब तक हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो स्टफिंग के लिए हमने लिया है एक पैन, उसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद हम उसमें डालेंगे जीरा, थोड़ी सी राई। अब हमारी राई हो गई है तो अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, चॉप्ड अनियंस और ग्रीन चिलीज। इन सब चीज़ों को हम लाइट ब्राउन होने तक भून लेंगे और इसे मिक्स करेंगे। अभी हमारी हो गई है तो अब इसमें डालेंगे करी पत्ता। करी पत्ता आप पहले भी ले सकते हैं लेकिन हमने बाद में डाला है। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले जैसे थोड़ी सी हल्दी, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च, धनिया पाउडर डालेंगे थोड़ा सा। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसके बाद हम अपने डालेंगे बॉइल्ड पोटैटोज। ये 3 से 4 बॉइल्ड पोटैटोज हैं जो हमने पहले से बॉइल करके रखे हुए थे। इन्हें हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मैश कर देंगे। ये हमारी स्टफिंग तैयार है। अब इसे हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब तक हमारी स्टफिंग ठंडी होती है तब तक हम अपना बैटर चेक कर लेते हैं। 15 मिनट बाद हमारी सूजी अच्छे से फूल गई है। अब हम इसकी कंसिस्टेंसी सेट करेंगे। इसमें हम डालेंगे 1/2 कप पानी और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है, हमें इस कंसिस्टेंसी तक ही चाहिए। अब इसके अंदर हमने डाला 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट और 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा। इसे अब हमें ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, बस एक दो बार चला लेंगे। अब ये हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है तो चलिए बनाते हैं पैनकेक। सबसे पहले हम पैन में लेंगे थोड़ा सा ऑयल। अब उसके अंदर डालेंगे हम अपना बैटर। अब हम अपनी स्टफिंग के साथ एक पतली सी टिक्की बनाएंगे और इसके ऊपर रख देंगे और इसे बैटर से ढक देंगे थोड़ा थोड़ा। 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे सिकने देंगे, फिर इसे चेक करेंगे और इसे पलट देंगे। देखिए कितना सुंदर पैनकेक बना है हमारा। इसे हल्का सा प्रेस करेंगे और 1 मिनट के लिए इसे होने देंगे। अभी हमारा पैनकेक बिल्कुल रेडी है। ऐसे ही हम कुछ और बना लेंगे, ये सबको बहुत पसंद आते हैं। आप इसे कभी भी बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इसी पैनकेक के बैटर के साथ आप प्लेन डोसा बना सकते हैं, मसाला डोसा बना सकते हैं। ये हमने कुछ बनाए हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं कितना सुंदर डोसा बना है इस बैटर का। तो चलिए पैनकेक हमारे रेडी हैं, इन्हें कट करके देख लेते हैं। देखिए कितना सुंदर, बिल्कुल इक्वल स्टफिंग है इसके अंदर। तो चलिए इसकी प्लेटिंग करते हैं। हमने टमाटो केचप भी बनाया था, वो भी बहुत आसानी से। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू।